हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। स्वाद दिल्ली का चैनल में आज हम आपके लिए बरसात में खाए जाने वाले चने दाल परांठे की रेसिपी लेकर आएँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस मौसम में बहुत ही शौक से खाए जाते हैं चने के दाल के परांठे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चना दाल परांठा बनाने के लिए व्यूवर्स हमने ये एक कप चने की दाल ली है, जिसे हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तो ये देखिए सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसे बॉईल करना है। हमने इसे बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर लिया है व्यूवर्स। ये देखिए, आप चाहे खुला भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम सफिशियंट पानी डाला है हमने। ये हमने पानी डालकर 1 गिलास वाटर डालकर इसके अंदर सबसे पहले नमक डालेंगे, जो कि अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर 1 टीस्पून लिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे जिस तरह हम शामी कबाब की डालते हैं, तो हम इसमें कुटी हुई मिर्च डाल रहे हैं, जिस तरह हम शामी कबाब की दाल बनाते हैं। और इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है 2-3, और थोड़ी सी हमने 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाली है। तो ये मसाले डालकर हमें इसे बॉयल कर लेना है। कोई इसमें अदरक वगैरह नहीं डालनी है, थोड़ा सा हमें ज़ीरा डालना है 1/4 टीस्पून। और बस इसकी लिड को लगा कर हम इसके 3 से 4 विसल पर हम इसे बॉयल करेंगे, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि आप, हमने इसको 4 सीटी लगाने के बाद हमने इसको बिल्कुल बंद कर दिया था। और इसके बाद जब हमने इसे खोल कर देखा है, तो आप देख सकते हैं दाल हमारी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, और इसका पानी भी है वो ड्राई हो गया। बिल्कुल पानी आपको ड्राई रखना है व्यूअर्स, पानी नहीं डालेगा। आप चॉपर में डाल के हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। देखिए अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी, बिल्कुल पानी आपको नहीं डालना है। और अगर आपकी दाल पतली हो जाती है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे बिल्कुल टाइट जो दाल है उसको हमने कर लिया। और उसके बाद हमने अलग से ही आधी जो प्याज होती है मीडियम साइज़ की, उसको हमने चॉप कर लिया था फाइनली। और फाइनली हमने इसमें चॉप करके कोरिएंडर डाला है, थोड़ा सा मिंट यानी पुदीना डाला है, और थोड़ी सी 2-3 हमने इसमें ग्रीन चिलीज डाली यानी हरी मिर्च। और इसको करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक ही हमारा जो है तैयार हो गया। और हमने एक आटे का डो बना के तैयार कर रखा है, जिस तरह हम रोटी या पराठा बनाते हैं, पहले से हमने आटा गूंद के रखा हुआ है। तो छोटी छोटी इसकी लोइयां बना लेनी है। तो हमें 2 तरीके से आपको दाल के पराठे बनाना सिखाएंगे, जो कि बिगिनर के लिए हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। व्यूअर्स इस तरह आप छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए, जिस तरह हम छोटे छोटे पराठे बनाते हैं चपाती के। तो हम डबल वाला बनाएंगे, डबल जो स्टफ़ पराठा होता है वो हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम छोटी इसके आटे की लोइयों को तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगाएंगे और इसे अलग से हम बेल लेंगे। इस तरह से हमने एक बेल कर रख ली है, अब दूसरी भी हम इसको रोलिंग पिन से बेल लेंगे, इस तरीके से रोटी की तरह। और ये देखिए, इसको हम बेलने के बाद हमें इसके अंदर इसे भर कर हमें जो हमारा ये दाल का जो भुर्ता था, इस तरीके से इसका जो मिक्सचर है, वो हम इसे इस तरीके से स्टफिंग करने के लिए, देखिए हम इसे एक साइड पर फैला रहे हैं। और दूसरे जो हमारी लोई बनकर बेल कर रखी थी हमने, इसको इस तरीके से इसके ऊपर कवर कर देंगे, और हाथों से हल्के हल्के प्रेस करेंगे, इसके किनारों को बिल्कुल सील कर देंगे ताकि दाल नहीं निकले। और बस हल्का सा ड्राई फ्लावर लगा के इसको पलट देंगे, इसको भी हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से करनी है व्यूअर्स, ताकि पराठा फटे नहीं। और फिर हल्का सा ड्राई फ्लावर लगा के हमें इसको बेल लेना है थोड़ा बहुत। और बस जितना आपको लगे कि सब जगह से साइड से कोई हिस्सा मोटा नहीं है, बेल गया है, तो हम इसे जो तवा है बिल्कुल तवे पर इसे डाल देते हैं मीडियम टू हाई पर। ये देखिए इस तरीके से हम इसे डाल देंगे। और जब आपको लगे साइड से हल्का सा ये सिक गया है, थोड़ी सी इसमें ब्राउन स्पॉट आने नज़र आ गए हैं, तो इसको स्पैचुला या स्पून की हेल्प से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और साइड चेंज करने के बाद इसमें बिल्कुल हल्का सा ऑयल या घी लगा लेना है। तो वैसे तो हम देसी घी में बनाते हैं इसमें, लेकिन शुरू में हम इसमें सरसों का तेल बनाते हैं, जो कि आलू के पराठे और दाल के पराठों में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सौंधी सौंधी खुशबू से अच्छी आती है। बाद में हम इसमें देसी घी लगाएंगे। ये देखिए एक साइड से हो गया है, किस तरीके से हमारा ये फूलना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। हल्का सा लगा देते हैं ऑयल, आप इसमें ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। देखिए दोनों साइड सिकने के बाद हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब दूसरे तरीके से बना देते हैं व्यूअर्स, जो एक ही पेड़े से बनाया जाता है। देखिए इस तरीके से कचौरी की तरह हमें इसमें भरना है थोड़ा सा, और इस तरह घुमाते हुए हमें इसको बॉल की तरह घुमाना है, और बस हाथों से प्रेस करते हुए हमें इसे दबाना है, और बस इसको बेल लेना है पराठे की तरह। जो एक सिंगल वाला पराठा होता है, इसमें थोड़ी मुश्किल होती है व्यूअर्स, थोड़ा इसमें फटने का डर होता है, लेकिन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो आप इसे बना सकते हैं। जब एक साइड से यह देखिए हम इसमें ऑयल लगा देंगे, फिर इसके बाद हम इसे दोनों साइड से सेकने के बाद हम इस पर देसी घी लगा देते हैं। और ये देखिए हमारे गर्मा गर्म बारिश में खाए जाने वाले पराठे बनकर तैयार हैं। आप इसे अचार के साथ खाइए, रायते के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं दोपहर में। ये देखिए चना दाल पराठा हमारा बनकर रेडी टू ईट है।
तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें और मेरे चैनल स्वाद दिल्ली का को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।